जबलपुर में अचानक हुए मौसम में बदलाव के साथ बीमारियों का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। जहां पिछले कई दिनों से जबलपुर शहर में बारिश नहीं हुई, जहां तेज धूप के साथ उमस देखी जा रही है, वहीं मौसम में बदलाव के साथ बीमारियों का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। जहां वायरल फीवर, डेंगू, उल्टी दस्त और कंजेक्टिव का खतरा देखा जा रहा है। जिला अस्पताल विक्टोरिया में बड़ी संख्या में इन बीमारियों से पीड़ित मरीज पहुंच रहे हैं, जहां चिकित्सकों के द्वारा बीमारियों से पीड़ित मरीजों का इलाज किया जा रहा है। वहीं जिला अस्पताल विक्टोरिया के चिकित्सकों का कहना है कि मौसम में बदलाव के कारण लगातार वायरल फीवर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में नागरिकों को पूरी एहतियात बरतनी चाहिए। वहीं इन बीमारियों से पीड़ित मरीजों से दूरी रखना चाहिए और मास्क का प्रयोग भी नागरिकों को सुरक्षित रहने के लिए करना चाहिए। वहीं जिला अस्पताल विक्टोरिया में बीमारियों से पीड़ित मरीजों का उचित इलाज किया जा रहा है। मौसम में बदलाव के कारण मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। बदलते हैं मौसम में, इस समय इम्यूनिटी बढ़ गई है और वायरल इन्फेक्शन के केसेस बढ़ रहे हैं और इसमें कंजंक्टिवाइटिस भी बढ़ रही है। साथ में अगर दूसरे वायरल इन्फेक्शन है, सोर थ्रोट हुआ और आपका डेंगू है, ये वायरल इन्फेक्शन है, ये इनकी तादाद बढ़ रही है और नेचुरली इस सीज़न में हमेशा होता है, लेकिन पेशेंट इस समय ज़्यादा आ रहे हैं। एहतियात ये रखनी है कि जितना जल्दी हो सके वो डॉक्टर संपर्क करके उसका इलाज लें, क्योंकि वायरल बीमारी जो है वो सेल्फ लिमिटिंग भी होती है। अगर आपकी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, शरीर की क्षमता अच्छी है, तो वो ठीक हो जाती है। लेकिन अगर इनकी क्षमता कम है, जैसे कैंसर के पेशेंट हैं या डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है या किडनी की बीमारी है या अन्य बीमारी, लंबी बीमारी के कारण कोई दवाई खा रहे हैं जिनके कारण उनकी प्रतिरोधक क्षमता कम हो रही है, ऐसे मरीज को अगर वायरल इन्फेक्शन होता है तो वो सीरियस इन्फेक्शन में कन्वर्ट होने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं और उसको अगर इलाज में मिले तो वो चांसेस कम हो जाते हैं और उसका क्योर भी हो जाता है, अगर नहीं होगा तो वो घातक हो सकता है। इसलिए एहतियात रखने की जब आवश्यकता बहुत ज़रूरी है और अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो उससे आपको दूसरे को फैले ना, इसलिए अपने आप को आइसोलेशन करना है, अपने आप को दूसरे को छोड़ने नहीं देना है। अन्य मरीजों को भी देखना है कि किसी को वायरल इन्फेक्शन है अगर, तो वो मास्क लगा के दूरी मेंटेन रखें, जैसा अपन कोविड में करते थे। वो भी वायरस है, ये भी वायरस ही है, लेकिन वो थोड़ा ख़तरनाक था, ये ख़तरनाक ये भी है, बट अगर इसका इलाज हो जाए तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक नहीं। ये आवश्यकता ज़रूरी है। डेंगू जो हो रहा है वो पानी के कलेक्शन से होता है, मच्छर बढ़ने से होता है, तो मच्छर में के लिए अपने स्क्रीनिंग करिए, जहाँ तक हो सके उससे बचें और फुल स्लीव जो है रहते कपड़े पहन के रहना आवश्यकता होती है इस समय। ये चीज़ें हैं, एहतियात रखिएगा। इलाज के लिए यहाँ जिला चिकित्सालय सुविधाएँ उपलब्ध हैं, दवाइयाँ मौजूद हैं, लेकिन संपर्क बनाएँ, पेशेंट धैर्य रखें और संपर्क करें तो उसे डरने की आवश्यकता नहीं है।